जेपी नड्डा को राज्यसभा में नेता सदन बनाया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जेपी नड्डा राज्यसभा में नेता सदन होंगे। तो बड़ी खबर कि जेपी नड्डा को राज्यसभा में नेता सदन के तौर पर चुना गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से आ रही है। तो बीजेपी की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया, राज्यसभा में नेता सदन की भूमिका निभाते दिखेंगे जेपी नड्डा, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। अठारहवें लोकसभा के पहले दिन शपथ ग्रहण से सत्र की शुरुआत हो चुकी है। लगातार तीसरी बार पीएम मोदी की शपथ दिलाई गई और इसी के साथ पक्ष और विपक्ष में टकराव की झलक भी दिखी। पीएम मोदी ने जहां आपातकाल का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा, तो वहीं संसद के बाहर विपक्षी नेता संविधान की कॉपी लेकर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे संविधान और आपातकाल पर सियासी बवाल छिड़ गया है, वो भी संसद सत्र के पहले ही दिन। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं, इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। लोकतंत्र के मंदिर में सांसदों के शपथ ग्रहण से सत्र की शुरुआत हो चुकी है। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ले चुके हैं और इसी के साथ वो विपक्ष को नसीहत भी दे चुके हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। एक तरफ पीएम मोदी आपातकाल का जिक्र करते हुए विपक्षी सांसदों को नसीहत दे रहे थे, तो दूसरी तरफ सदन में संग्राम का ट्रेलर भी दिखने लगा। 18वीं लोकसभा के फर्स्ट डे फर्स्ट शो में विपक्षी सांसद संविधान की कॉपी के साथ सदन के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। यानी पीएम मोदी ने जैसे ही आपातकाल का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी संविधान को हथियार बनाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। विपक्ष की तरफ से पहले ही ये इशारा दे दिया गया है कि इस बार सत्ता पक्ष को विपक्ष का आक्रामक रूप देखने को मिलेगा, यानी संसद सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद है, जिसकी रणनीति पहले ही तैयार हो चुकी है। मैं उनको पूर्वार्ध में कल के दिन 25 जून 1975 की तरफ लेके जाऊंगा, फ्लैशबैक में, जब उनकी दादी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने बेवजह आपातकाल लगाया था और संविधान को कुचल दिया था, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट कर दी थी और आपकी भी प्रेस पर सेंसरशिप लगाई थी। उस जमाने में ये आप लेके चल रहे होते तो मैं तो जेल जाता, लेकिन आप भी जेल जाते। इसलिए दुष्यंत ने कहा था कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं, इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई
मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट, इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से ही विपक्ष लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहा है, खास तौर से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के अलावा आरजेडी और आप नेता एनडीए सरकार पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं और उन मुद्दों का भी जिक्र कर रहे हैं जिसके दम पर सदन में सरकार को घेरने की तैयारी है। संसद में विपक्ष के मुद्दे यानी नीट में गड़बड़ी, पेपर लीक, प्रोटेम स्पीकर के साथ अग्निवीर योजना और शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव के साथ आपराधिक कानून, ये वो मुद्दे हैं जिसका तोड़ निकालने के लिए एनडीए सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। यानी जो तस्वीर सदन में पिछले 10 सालों में नहीं दिखी, अब वही तस्वीर आपको अगले कुछ दिनों में दिखने वाली है जिसका ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इस बार अखिलेश यादव अपने 37 सांसदों के साथ सरकार को घेरने की तैयारी में हैं और इसे लेकर उन्होंने सांसदों के साथ एक मीटिंग की, प्लान तैयार किया और जब मीटिंग खत्म हुई तो सपा सांसद राम मंदिर से लेकर तमाम मुद्दों का जिक्र करते नजर आए। समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद इस वक्त आप देख रहे हैं राम, प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। अभी तय होगा, लेटर अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मीटिंग कर। हाँ है, प्लान है बढ़िया। संविधान की रक्षा के लिए पूरा इंडिया गठबंधन जो था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लड़ा है और अब हम लोग निर्वाचित होके जो देश की पार्लियामेंट में आए हैं तो संविधान की रक्षा के लिए निश्चित रूप से लड़ेंगे। और चलिए तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि संसद सत्र का पहला दिन कैसा रहा, किस तरह से यहां से एक बार फिर इन सांसदों ने शपथ ग्रहण लिया। इनमें कई ऐसे सांसद भी शपथ लेते दिखे जिन्होंने पहली बार शपथ लिया। सबसे पहले आप तस्वीरों में देख रहे हैं बीच में नरेंद्र मोदी को, लगातार तीसरी बार एक सांसद के तौर पर उन्होंने लोकसभा के अंदर शपथ ली। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, एचडी कुमारस्वामी, उन सभी ने अपने अपने शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोकसभा सांसद के तौर पर शपथ लेते दिख रहे हैं और इसके बाद दूसरे बड़े नेताओं को शपथ के लिए बुलाया गया। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी को अब देख रहे हैं। पहले दिन ही शपथ ग्रहण के दौरान विपक्ष की ओर से विरोध की भी तस्वीरें आज दिखी हैं जिस पर बीजेपी के सांसद ने निशाना साधा। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का तो आदर हमेशा से हुआ है, बीजेपी ने हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का आदर किया है, कभी ऐसी कोई बात कही नहीं ना कही, बल्कि कांग्रेस करती रही है इमरजेंसी लगाना कि संविधान था को क्या, वो नहीं संविधान का पालन करना तो नहीं था, वो तो वो सब काम उन्होंने किए हैं। वो कुछ देखिए, कहने को इंसान कुछ भी कहता रहता है, कोई भी पार्टी कुछ भी कहती है, बस बीजेपी ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। प्रोटेम स्पीकर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी लगातार बनी हुई है और आइए अब आपको दिखाते हैं बीजेपी ने विपक्ष पर कैसे किया पलटवार। सदन में हर विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार, लेकिन वो सदन डिबेट के लिए है, अपने डिस्कशंस के लिए है, डिसीजन के लिए है, ना कि हंगामा करने के लिए है। कि भर्तृहरि महताब जी लगातार 8 बार के सांसद हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, अब कांग्रेस इस पर एक सवाल उठा रही है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक सदन को जिस तरह से जनता की, देश की अपेक्षाएं कि सुचारू रूप से चले, जनता के हितों में काम हो, उस पर सहयोग देना चाहिए विपक्ष को, न कि केवल हंगामा करना।
नाम है जयराम रमेश, लेकिन राम की न मर्यादा है न राम की अकल आई है उनके दिमाग में, नाम रख लिया जयराम। फिर प्रोटम स्पीकर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, सीनियर मोस्ट से भी काउंट करें तो जो लगातार चुन के आता है, ये तो लगातार चुन के भी नहीं आए के सुरेश, तो कभी उसको दलित के साथ जोड़ देंगे, कभी मोनोपोली पे जोड़ देंगे, कभी तानाशाही पे जोड़ देंगे, मतलब तय करके ये लोग आ रहे हैं कि संसद को डिस्टर्ब करके रखना है, यही मानसिकता है।